तो गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आईसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रीवियस क्लास का अगर आपने मेरा कंसेप्ट सीखा, तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाया था कि होम रिबन टैब का कैसे यूज़ करना है, और मैंने फॉन्ट बॉक्स आपको थोड़ा सा समझाया था, और पैराग्राफ का मैंने थोड़ा शायद यहाँ तक समझाया था। तो आइए, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सीखते हैं बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट कैसे जनरेट की जाती है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख सीखिएगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल, एक बार मान लेते हैं कि भाई मुझे 10 लोगों के नाम लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 पॉइंट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा राज, फिर एंटर करूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे करण। तो इससे अच्छा है बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, मैं इसको हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ये हैं मेरे बुलेट्स और ये हैं मेरे नंबरिंग। तो नंबरिंग पे जाइए, और यहाँ पे आपके पास रोमन में भी है, इसमें भी है, ABCD में भी है, तो मैंने नॉर्मली ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखिए, राहुल एंटर कीजिए, राजन एंटर कीजिए, सूरज एंटर, पंकज एंटर। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर बुलेट्स में शो करना है, तो बुलेट्स में आप इसको शो कर सकते हो, बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन बुलेट्स एंड नंबर का कॉम्बिनेशन लेना है और उसमें लेवल सेट करने हैं, तो इसको ध्यान से समझना होगा आपको, मल्टी लेवल लिस्ट को। मल्टी लेवल लिस्ट करने से पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसमें लेवल कितने हैं, तो आपको मेन लेवल सेट करने होते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं इसको कैसे प्रोसेस में लाएं। तो चलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, और देखिए पहले से भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट मैं तो खुद ही क्रिएट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे लिखा है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा है ये डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। आप इस पे क्लिक कीजिए, एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लेवल है 1, 2, 3, 4, ऐसा करते हैं 4-5 लेवल सेट कर लेते हैं, तो आप उससे समझ भी जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, भाई फर्स्ट लेवल पे क्या चाहते हैं, मैंने कहा भाई फर्स्ट लेवल पे चाहिए मुझे कैपिटल ABC, ओके आ गया। चलिए सेकंड पे मैं गया यहाँ पे, तो सेकंड पे आपने शो करना है भाई ये स्मॉल वाला ABC। चलिए थर्ड लेवल पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, चलिए मैं ले लेता हूँ भाई ये लेना है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। एंड फोर्थ लेटर पे मुझे कोई सिंबल चाहिए, मान लीजिए टेलीफोन नंबर वगैरह। अब आप यहाँ पे देखोगे यार ये सिंबल या बुलेट्स तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए न्यू बुलेट, यार इसमें दोस्तों हजारों तरह के हैं, क्या हैं, हजारों तरह के आप यहाँ पे खुल जा सिम, ये देखिए। तो यार यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा www windings मिल जा, मिल गया, देखो ये रहा। अब कौन सा लेना है आपको, थोड़ा सा पुराना लेना है तो चलो यार यही ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया, देन चौथे नंबर पे क्या सेट हो गया, ये टेलीफोन का सिंबल, राइट, 1, 2, 3, 4, और मुझे मैंने क्या कर दिया, ओके। ना देखिए क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, राइट। अब हार्डवेयर के अंदर क्या शो करना है, तो देखिए दोस्तों आपको दो चीजें याद रखनी है, टैब से अगले लेवल में जाना है, गॉट इट, और शिफ्ट के साथ टैब दबाने पर आपको लेवल में पीछे आना है, ठीक है। अब हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर में क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, चलिए मैं बनाता हूं मॉनिटर, राइट, KEYBOARD, कीबोर्ड, और मैंने यहां पे लिखा माउस, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको जाना है, ठीक है, तो वो भी आप शो कर सकते हो, राइट। अब मुझे इसका फोन नंबर देना है, फॉर एग्जाम्पल इसके दो फोन नंबर हैं, तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ से बना सकते हो। अब वापस जाइए, शिफ्ट के साथ टैब दबा रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे बी क्या शो करना है, सॉफ्टवेयर, राइट। अब सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पे शो करा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा मैंने शो कर दिया यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इससे आपको ना इसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगी यार, कंसेप्ट का कंसेप्ट हो गया। ओहो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, SOFTWARE, ठीक लिखा है। चलिए अब इसके अंदर भी आपको जाना है, तो टैब दबाइए, नहीं जाना तो अगला दबा दीजिए, और इसका क्या कर दीजिए यहाँ पे प्रोसेस में लिख दीजिए। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिख सकता था, लेकिन कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, बस आपको मुझे यहाँ पे समझाना है।
राइट। तो ये था आपका पैराग्राफ बॉक्स में बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देन मैं कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे। और चलिए मैंने यहाँ पे कमांड दी, एक रैंड की कमांड देते हैं, और मैंने अप्रोक्सीमेटली इसमें 9 पैराग्राफ्स लिए। और रैंड की कमांड के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझा रखा है। देन इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, फाइंड रिप्लेस, ठीक है। तो फाइंड कंट्रोल एफ से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एफ किया और मैंने फॉर एग्जांपल लिखा यहाँ पे टी एच ई दा लिखा, ठीक है, या मैंने यहाँ पे लिखा ओ एफ ऑफ, तो जितनी भी जगह पे ऑफ है ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दा, तो कितनी जगह पे दा है भाई ये, अब दा की जगह मुझे क्या करना है भाई, ऑक्सफोर्ड लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस के लिए आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पे फाइंड ये रहा, फाइंड बाई दा, दा की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है आपको, लिखना है ऑक्सफोर्ड, चलिए ठीक है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, मोर, अगर आप मोर में जाएंगे तो मोर में यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन था कि उससे एक मिनट जरा मैं देख लूं, यहां तक तो ठीक है। ये लिखा है फाइंड होल्ड होल वर्ड ओनली, आपको क्या करना है इस पे टिक लगाना है एंड देन रिप्लेस ऑल। जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन देगा और कितनी रिप्लेसमेंट हुई है, 22 रिप्लेसमेंट। ओके करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और एक बार अब यहां पे सर्च करते हैं भाई ओ एक्स एफ ओ आर डी ऑक्सफोर्ड। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ वो वर्ड ही अलग से, ये नहीं कि किसी अलग सेंटेंस में जाके जहाँ पे दा लिखा था वो भी चेंज हो गए, तो ऐसा तो गलत हो जाता ना कंसेप्ट। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जितने भी जगह बाहर दा था वो आपका ऑक्सफोर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको फाइंड एंड रिप्लेस भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं, स्टाइल बॉक्स, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज बनानी है तो आप इन सब चीजों का ऑप्शंस का यूज करोगे, फॉर एग्जांपल बोल्ड भी करोगे, इटैलिक भी करोगे, कोई स्टाइल बनाना है तो, ठीक है, इसे जस्टिफाई भी करोगे। बट अगर यहाँ पे आपको बने बनाए स्टाइल मिल जाए तो यार क्या बात है। देखिए मैं जरा इस पे ले जाता हूँ, ये भी यहाँ पे देख रहे हो ना इस तरह से, तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेबल कर सकते हो, जैसे कि ये वाला भी ठीक ठाक ही लग रहा है, चलिए ये ले लेते हैं, ओके। इसके अलावा आप इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, बॉर्डरिंग करना चाहते हो, शेडिंग कलर वगैरह करना चाहते हो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा होम रिबन टैब का कंसेप्ट पूरा हुआ, आई होप आपको इसमें समझ में आया अच्छे से, ठीक है। देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, और ये हमारी सेकेंड वीडियो है। थर्ड वीडियो में आपको मैं लेआउट एंड डिज़ाइन रिबन टैब के बारे में समझाऊंगा। और दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको और किस चीज़ की वीडियोस चाहिए या आपको क्या डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो वही बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।